हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बी फार्मा फर्स्ट ईयर का टॉपिक सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री आज हम उसके एम सी क्यूज सॉल्व करेंगे ऑन द टॉपिक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉल इससे पहले वीडियो में मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के मेटा कार्बोहाइड्रेट्स के एम सी क्यूज डिस्कस किए थे अब हम कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज जो होते हैं उस पर डिस्कस करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको पता होता है कि क्या है, क्या है हमारी बॉडी के लिए एक एनर्जी सोर्स की तरह वर्क करता है जो हम किसी भी फूड मटेरियल के थ्रू इंटेक करते हैं अपनी बॉडी के लिए तो व्हाट डज मेटाबॉलिज्म मींस मेटाबॉलिज का मतलब होता है सिंपली ब्रेक डाउन ठीक है अब ये मेटाबॉलिज दो तरीके दो कैटेगरीज में क्लासीफाइड है फर्स्ट इज कैटाबॉलिज्म सेकेंड इज द एनाबॉलिज्म कैटाबोलिज्म में क्या होता है ये एक डिग्रेडेटिव प्रोसेस है जिसमें आपका कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से वो कन्वर्ट होता है सिंपल मॉलिक्यूल्स में एनाबॉलिज्म में क्या होता है ये क्या करेगा फॉर्मेशन करेगा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का यानी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल किससे फॉर्म होंगे वो सिंपल मोलिक्यूल से तो इन शॉर्ट में मेटाबोलिज्म का मतलब ब्रेकडाउन है जब कोई भी चीज़ या फिर कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा जब क्या कोई भी प्रोडक्ट फॉर्म होगा तो उसको आप मेटाबॉलिक पाथवे बोलते हो मेटाबॉलिक पाथवे ठीक है अब हम इसके एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो हमें और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी ठीक है वैन ऑक्सीजन सप्लाई इज इन एडिक्वेट पायरुवेट इज कन्वर्टेड टू पहली चीज़ तो ये पायरुवेट कहाँ कब बनता है आपका पायरुवेट बनता है आपका ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में ठीक है ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में कैसे ग्लूकोज से पायरुवेट जब पायरुवेट बनता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है आपकी एरोबिक कंडीशन एरोबिक कंडीशन कब होती है जब आप एरोबिक कंडीशन तब होती है जब आप ऑक्सीजन क्या होता है प्रेजेंट होता है मतलब ऑक्सीजन जो होता है प्रेजेंट होता है बट यहाँ पे क्या लिखा है ऑक्सीजन सप्लाई इज इनएडिक्ड यानी अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है तो क्या फॉर्म होगा लैक्टेट लैक्टेट का फॉर्म होता है जब आपका ऑक्सीजन क्या है एबसेंट है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनरोबिक कंडीशन सो आंसर इज लैक्टेट ठीक है नेक्स्ट so, क्वेश्चन पे चलते हैं बिफोर पायरुविक एसिड एंटर्स दी टी सी ए साइकिल इट मस्ट बी कन्वर्टेड टू ठीक है सो द बिफोर पायरुविक एसिड एंटर्स द टी सी ए साइकिल टी सी एनि सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सलिक एसिड साइकिल तो यहाँ पे क्या होता है जब भी पायरुवेट टी साइकिल में एंटर करता है तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है एसिटाइल को एनजाइम ए में तो आंसर विल बी एसिटाइल को एनजाइम ए नेक को एनजाइम ए नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फॉर ग्लाइकोजेनेसिस ग्लूकोज शुड बी कन्वर्टेड टू आंसर विल बी सी यू ग्लूकोज यू क्या है आपका की फुल फॉर्म होती है यूरिन डाइफॉस्फेट ग्लूकोज ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सीओ टू इन ई एम टी सी एस साइकिल ई एम की फुल फॉर्म होती है मेयर हॉफ और टी सी ए की फुल फॉर्म अभी बताई थी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल सो आंसर विल बी ए सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन मोलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स हाउ मेनी मोलिक्यूल ऑफ सी ओ टू इन वन राउंड ऑफ एच एम पी एच एम पी इज हेग्जोस मोनोफॉस्फेट पाथवे इसको आप और क्या बोलते हो पेंटोज फॉस्फेट पाथवे यानी ट्रिपल पी सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज गिव्स हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ सी ओ टू इन वन राउंड ऑफ एच एम पी मतलब एच एम पी की जब एक साइकिल आपकी कंप्लीट होती है पूरी तो आपको कितने मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज मिलता है ठीक है तो आंसर विल बी बी वन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं द फॉर्मेशन ऑफ सिट्रेट फ्रॉम एक्जलो एसिटेट एंड एसिटाइल को एनजाइम ए तो वहाँ पे क्या होता है आपका कंडेंसेशन रिएक्शन जब कैसे यहाँ से पायरुवेट से वो आएगा एसिटाइल को एसिटाइल को एनजाइम ए और ऑक्जेलो दोनों मिलके क्या फॉर्म करते हैं सिट्रेट यानी ये सिक्स कार्बन का होता है टू कार्बन का एसिटाइल कोजाइम ए और फोर कार्बन का ऑक्जेलो एसिटेट इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज एसिटाइल को इज नॉट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ एसिटाइल कोजाइम ए इज नॉट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड विच ऑफ़ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टी सी ए साइकिल इज ट्रू आंसर विल बी डी इट इज एम्फोब एम्फीबॉलिक इन नेचर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ग्लाइकोलाइसिस इज रेगुलेटेड बाई आपका हाइड्रोकाइनिज एंजाइम भी होता है फॉसोफक्टोकाइनिज एनजाइम भी होता है पायरुवेट काइनेज एनजाइम भी होता है ये हमें कैसा पता है कि ये एंजाइम है क्योंकि इनके लास्ट में लगा है ए एस ई जब भी आपका लास्ट में ए एस ई लगा होता है यानी वो क्या है आपके एंजाइम्स हैं और तीनों एंजाइम्स किस में आते हैं आपके ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल में तो आंसर विल बी डी ऑल ऑफ दीज़ ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज़ नॉट इन्वॉल्व इन शंट कौन सा एंजाइम इनमें से एचैम्पीशंट में नहीं इन्वॉल्व होता है सो आंसर विल बी a glyceraldehyde 3 uh, phosphodehydrogenase glyceraldehyde 3 phosphodehydrogenase is not used as an enzyme in the cycle of hmp shunt next question is in presence of the following cofactor pyruvate carboxylase converts pyruvate converts pyruvate to oxaloacetate answer will be ए ए टी पी प्रोटीन एंड सी ओ टू नेक्स्ट क्वेश्चन डिहाइड्रोजेनेसिस इन्वॉल्व इन एच एम पी शंड आर स्पेसिफिक फॉर ए एन ए डी पी प्लस एन ए डी पी इन ई एम पी पाथवे टू फॉस्फोग्लिसरेट इज कन्वर्टेड टू ई एम पी यानी पाथवे ठीक है तो वहाँ पे क्या हो रहा है आपका टू फॉस्फोग्लिसरेट किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका आंसर विल बी ए फॉस्फो इनॉल पायरोवेट यानी ये कौन सी साइकिल है आपकी ग्लाइकोलाइसिस की साइकिल है जिसमें लास्ट में आपका टू फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है आपका फॉस्फोइनोलॉल पायरुवेट में और उसके बाद ये कन्वर्ट होगा फायरुवेट में जो लास्ट में क्या एंड प्रोडक्ट बना आपका पाइरुवेट ठीक है तो आंसर विल बी फॉसफो इनॉल नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन सप्लाई को एनजाइम ए टू सक्सीनेट रिक्वायर्स तो आंसर विल बी बी ए डी पी यानि एडिनोसिन डाईफॉस्फेट दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी पी नेक्स्ट क्वेश्चन टू इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एच एम पी शंट आर दो इम्पोर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स क्या हैं एच एम पी शंट के इट विल बी बी एन ए डी पी एच एंड पेंटो शुगर इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू इंपॉर्टेंट बाई प्रोडक्ट्स ऑफ एच शंट इज शंट आर एन ई डी पी एच एंड पेंटो शुगर नेक्स्ट क्वेश्चन द फोर मेम्बर एल्डो शुगर फॉस्फेट फॉर्म इन एच शंट पाथवे इज आंसर विल बी सी एरिथ्रोस पी यानी यहाँ पे क्या है फोर मेंबर एल्डो शुगर है आपकी एरिथ्रोस फॉस्फेट पर सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फोर मैंबर्ड एल्डो शुगर फॉस्फेट फॉर्मड इन एच एम पी शाथवे इज एरिथ्रोज फॉस्फेट क्योंकि एक तो फोर कार्बन का होता है और एरिथ्रोज फोरफॉस्फेट नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस फ्रक्टोज वन सिक्स डाइफॉसफेट इज डिकम्पोज बाई एंजाइम आंसर विल बी सी एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू आपका फैक्टो वन सिक्स डाई आपका डिकम्पोज हो जाता है ठीक है और किस में डिकम्पोज होता है वो आपका फैक्टो वन सिक्स बीस फॉस्फेट दो में एक तो ग्लिसरी एल्डिहाइड थ्री फॉस्फेट और एक डाईहाइड्रोक्सी एसिटोन फॉस्फेट तो वो किस एंजाइम के थ्रू होता है एल्डोलेज एंजाइम के थ्रू नेक्स्ट क्वेश्चन आर बॉडी कैन गेट पेंटोज फ्रॉम आंसर विल बी डी एच एम पी शंट यानी पेंटोज फॉस्फेट पाथवे भी बोलते हैं आप इसको नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं ट्राई कार्बोक्सलिक एसिड साइकिल यानी टी सी ए साइकिल टू बी कंटिन्यूसली रिक्वायर्स द रीजनरेशन ऑफ बी ऑक्जेलो एसिटिक एसिड ठीक है रीजनरेशन मतलब जब वो साइकिल एक बार कंप्लीट हो गई अगर वो साइकिल दोबारा रन होगी तो वहाँ पे आपको क्या चाहिए ऑक्जेलो एसिडिक एसिड की रिक्वायरमेंट रहती है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज नॉट इन्वॉल्व इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म जो हम पूरा अभी तक पढ़ते आए हैं आंसर विल बी डी वैसोप्रेसिन वैसोप्रेसिन ठीक है कार्बोहाइड्रेट की मेटाबोलि के एमसीक्यूज में बस इतना ही अगर आप लोग चाहेंगे कि इंडिविजुअल क्योंकि आपको पता होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट मेटा का कौन कौन सी साइकिल्स होती हैं ग्लाइकोलाइसिस साइकिल होती है एच एम पी शंट पाथवे होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है ठीक है और टी सी ए साइकिल ठीक है जी ये सब आपको पढ़ना होता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म अगर आपको इंडिविजुअली पाथवे या फिर साइकिल्स पर एम चाहिए तो मैं वो भी प्रोवाइड करा दूँगी कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दीजिएगा ठीक है अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थैंक यू सो मच की प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स एंड ऑल दी वेरी बेस्ट